कपाल भाती का अभ्यास करेंगे और कपाल भाती एक बार हम पुनः समझ लेंगे। कपाल मतलब होता है मुखमंडल, ललाट चेहरा, और भाती मतलब चमक होता है। इसलिए हम अपने भीतर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य रज का जो निर्माण होता है, कपाल भाती करने से वो शुद्ध हो जाता है, वो निर्माण बढ़िया होने लगता है। तो आइए हम नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा सांस बाहर। आइए आंखें बंद कर लीजिए, सभी पुराने साधक हैं, आप लोगों को विशेष कोई प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, आज ध्यान पूर्वक सब लोग अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, प्रभु का ध्यान, पांच मिनट तक लगातार चलेगा, कोई आंख नहीं खोलिएगा। कपाल भाती करने के समय सावधानी जरूर याद रखिएगा। किसी भी माँ बहन को गर्भावस्था में मासिक धर्म के दौरान कपाल भाती नहीं करना है। पेट का या हृदय का ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीना तक कपाल भाती का अभ्यास नहीं करेंगे। उच्च रक्तचाप हो, हाई ब्लड प्रेशर हो तो कपाल भाती का अभ्यास सामान्य गति से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। सावधानी जरूर याद रखना है। करने का तरीका, 1 सेकेंड में 1 बार झटके से सांस को बाहर फेंकना, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। आंखें बंद, ध्यान सांसों पर, सांस लेने का अभ्यास नहीं करना है, केवल सांस को बार बार प्रति मिनट बाहर हम 1-1 सेकेंड में फेंकते हैं, और लगभग 5 मिनट से लेकर के हम इसे 15 मिनट और आधा घंटा तक अभ्यास करते हैं। 1 मिनट में 60 बार का अभ्यास होता है, 15 मिनट करेंगे तो 900 बार होगा। 15 मिनट से तो कम करना ही नहीं हमें। कपाल भाती करने से लाभ क्या है, लाभ के बारे में आप समझेंगे। करते रहिएगा। कपाल भाती करने से मोटापा, पेट की चर्बी, गांठ शरीर में गिल्टी हो जाना, फैलेरिया हाथी पांव हो जाना, बांझपन नपुंसकता लिकोरिया स्वप्न दोष से लेकर के कैंसर, थायराइड नक्सीर बवासीर, यह अभ्यास 6 मिनट से प्रारंभ होता है और 5 मिनट तक केवल ये तो भूमिका बनाता है, यानी कार्यक्रम की शुरुआत करने को, और 6वें मिनट से इसका लाभ शुरू हो जाता है। 6 मिनट के बाद जो अभ्यास करिएगा वही आपके लिए फायदेमंद होता है, और ज्यादातर लोग 5 मिनट के अंदर ही से खत्म कर देते, इसीलिए लाभ नहीं मिल पाता है। करते रहिए। कोई भी अभ्यास करें तो 4 चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा, अभ्यास करते रहिए, सुनते रहिए। किसी भी अभ्यास करें, कोई भी काम करें, पहले मेथड उसकी विधि की जानकारी होनी चाहिए,
दूसरा उसका समय यानी टाइमिंग कितना देर तक करना है वो, तीसरा कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ करना है, ध्यान के साथ करना है, और चौथा है कंटिन्यूटी निरंतरता यानी वह अभ्यास वह कार्य रोज करें तभी जा करके हम उसके लाभों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। कपालभाति करने से नाड़ी शोधन की क्रिया भी होती है, पांच साल से छोटे बच्चों को मात्र हम इसे बिल्कुल नहीं करवाते हैं, और पांच साल से लेकर के दस साल के बच्चों को मात्र दो मिनट से पांच मिनट, और दस साल से लेकर के वृद्धावस्था तक हम पांच मिनट से पंद्रह मिनट, और भयंकर बीमारियों में आधा आधा घंटा भी करवाते हैं, दो दो टाइम या तीन तीन समय तक करवाते हैं। अप्रत्याशित लाभ मिलता है, अप्रत्याशित लाभ कपालभाति का। बस एक संकल्प लेना है कि प्रतिदिन हमें सुबह खाली पेट में 15 मिनट कपालभाति हमें जरूर करना है, और समय मिले सांझ को तो सांझ को भी कपालभाति का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। ओम।